बजे क्यों बैठे हो? देखिए, मैं एडवोकेट अमित गर्ग, जिला महासचिव आम आदमी पार्टी से, और कानून का बहुत ही हम लोग पालन करते हैं, और जो लोकतंत्र का पर्व है ये चुनाव का, इसको बड़ी ही कानूनी तरीके से लड़ रहे हैं। जो जो कहा गया प्रशासन द्वारा कि अनुमति लेकर आप ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, हमारी मेयर प्रत्याशी जी पैदल चल चल कर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं पिछले 10 दिनों से। कल हमने मात्र एक रैली के लिए, रोड शो के लिए परमिशन डाली हुई, उससे पहले टिर्री के प्रचार के लिए परमिशन डाली हुई, लेकिन यहाँ तहसील सदर में हमारे लाल बहादुर जी सुबह से शाम तक इनको बैठाला जाता है, कभी सीओ साहब के यहाँ, कभी थानों में, लेकिन यहाँ से परमिशन हमें अनुमति नहीं दी जा रही है। उसका कारण आप स्वयं समझ सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, क्योंकि यदि कोई जनता के लिए विकास कर सकता है, बदलाव ला सकता है, तो केवल वो आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। और शायद इसी कारण से हमारे सदर जो एसडीएम साहब है उन पर दबाव हो कि इनको परमिशन ना दी जाए किसी भी चीज की, जिससे कि इनका चुनाव बाधित हो और ये निष्पक्षता के साथ, पूरी ताकत के साथ अपनी ताकत ना दिखा सके अपने समर्थकों के साथ, और इनको चुनाव न लड़ाया जाए। अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, उनको परमिशन बहुत आसानी से हो जाती है, एक स्कूल में उनका इंटर कॉलेज में हेलीपैड बनता है, एक में बड़ी सभा होती है, कल कामनी राठौर जी का पूरी सभा निकाली जाती है, गली गलों में बड़े जलसा, मतलब केवल बीजेपी को सब कुछ करने की अनुमति है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो छोटे से लोग हैं, सीधे सादे लोग हैं, उनको किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जा रही। आज निराश होकर, तंग आकर, और इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग आए हैं, और इस व्यवस्था परिवर्तन का आज पहला रूप यहाँ से, कि आप हमें अनुमति क्यों नहीं दे रहे बताइएगा। इसलिए सुश्री राजकुमारी वर्मा जी मेयर प्रत्याशी यहाँ धरने पर बैठी हुई है। चुनाव के 2-4 दिन बचे हैं, आप धरने पर यहाँ पर हैं बिना प्रचार, क्या किया जाए, क्या किया जाए? धरना देना लोकतांत्रिक अधिकार है, जब हमारी बात नहीं मारी जा रही, हमारे कागज यहाँ रखे हुए हैं, हम यहाँ मिलकर भी गए कल, और अखबार में भी इस बात को हिंदुस्तान अखबार ने छापा कि आप नेता आकर सीडीएम एसडीएम साहब से मिले, उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगी। उसके बावजूद भी कल हम लोगों की कल रैली निकल ली है, हमारे सभाजीत भाई जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, निकाय चुनाव के प्रभारी, वो आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे हाथ में रैली, हम कब तैयारी करेंगे? तो ये पूरी तरह से हमारे चुनाव को रोकने की भारतीय पार्टी की एक बहुत बड़ी साजिश है। जी, आज यहाँ बैठी हैं, क्या कारण है और किस? डीएम साहब ने पालीवाल हॉल में 5 गाड़ी की अनुमति दी थी, हमारी एक गाड़ी भी परमिशन नहीं मिल रही है। जब गाड़ी की परमिशन नहीं मिल रही है तो इलेक्शन किससे होगा? इलेक्शन की परमिशन कैसे मिलेगी हमको? है, अगर परमिशन नहीं मिलनी थी तो फिर फार्म क्यों भरा? आरू भाई साहब ने, आरू जी ने फार्म क्यों भरा? जी, आप तहसील में बैठी हैं, क्या क्या कारण है, मुख्य कारण क्या है और आगे दिक्कत क्या आ रही है? आगे दिक्कत यही आ रही है, परमिशन नहीं मिल रही है तो कार कैसे होंगे, चुनाव प्रचार कैसे होगा, पैदल चल के चुनाव हो जाएगा? तो कब तक बैठोगे आप यहाँ? जब तक हमें परमिशन नहीं मिलेगी, अनुमति नहीं मिलेगी, जब तक बैठेंगे, जब तक अनुमति नहीं मिलेगी, बस अनुमति मिलेगी तब उठेंगे।